हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा जादुई तरीका जो आपके बालों का झड़ना बंद कर देगा, आपके पतले बालों को मोटा कर देगा, काला कर देगा और आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे हो जाएंगे। अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो तरीका और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आपके बालों में इसको लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट के थ्रू शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका एक कमेंट बहुत लोगों की हेल्प करेगा। और लाइक जरूर करिएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम पाया जाता है और निकोटीन एसिड पाया जाता है। जहां से अगर आपके बाल झड़ते भी जा रहे हैं, आपको गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, वहां पे भी आपके बाल उगाते हैं। इससे आपके बालों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, आपके बालों में शाइन बहुत अच्छा आ जाता है। आपका बाल जितना भी पतला है वो पहले से मोटा और मजबूत हो जाएगा। तो जब भी आप कंघी करेंगे या रबर बैंड बांधेंगे तो आपके बाल उसमें टूटेंगे नहीं, बल्कि आपके सर पर बरकरार रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना आपको किसी भी परचून की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। मेथी दाने के 2 चम्मच आपको किसी भी बर्तन में भिगो कर रखना है और उसमें डालना है आपने 1 गिलास पानी। इसको आप 2 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं 2 दिन बाद मेथी दाना मैंने भिगोया था, ये बिल्कुल पीले रंग का हो चुका है इसका पानी। और जो इसका पानी है, अगर जब इसमें आप हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल ये चिपचिपा सा आपको फील होगा अपने हाथों में। तो यानी जितना भी उसका असर था, जितना भी बेनिफिट था मेथी दाने का, वो सारा इस पानी में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की हेल्प से यानी छन्नी की मदद से मैं इसको एक अलग बाउल में छान लूंगी, इसका पानी अलग कर लूंगी। अब जो मेथी दाना बच गया है आपको उसको भी नहीं फेंकना, उसको संभाल के रखना है। उसको मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। पहले हम इससे तैयार करेंगे अपना बालों का टोनर। टोनर आपने फेस का तो सुना होगा, लेकिन बालों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्री मेच्योर बाल जो सफेद हो रहे हैं ना, वो भी आपके काले होने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब बालों के लिए मेथी दाना रामबाण नुस्खे की तरह काम करता है। इसमें हम ऐड करेंगे अब 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है प्लांट वाला तो आप वो यूज करें, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या करता है, आपके बालों को बिल्कुल लंबा घना बनाता है। आपके बाल जहां से झड़ चुके हैं वहां पे भी आपके बाल उगाता है, आपके बालों में नई जान और शाइन ले आता है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी हमारे बालों को लंबा और शाइनी बनाता है। तो इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। अब मैं इसको अपने पूरे स्कैल्प में और बालों की लेंथ में अच्छे से स्प्रे कर लूंगी। स्प्रे करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने बालों में मसाज करनी है। मसाज के 1 घंटे बाद ही आपको अपने बालों को शैम्पू या कंडीशनर से धोना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप 1 घंटे के लिए अपने बालों में जरूर इसको रखें, और इसको पूरी रात के लिए अपने बालों में छोड़ सकते हैं। और सुबह नॉर्मल जो भी माइल्ड शैम्पू है ना, केमिकल फ्री, उसको आप यूज करके अपने बालों को धो लीजिए और कंडीशनर कर लीजिए। हफ्ते में आपको इस टोनर का इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 दफा करना है। उसके बाद आपके बालों में जो उसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा ना, आप खुद देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आपके बालों का झड़ना सबसे पहले बिल्कुल बंद कर देगा, आपके बालों में मजबूती लेकर आएगा, आपके बाल हाथ फेरने पर, कंघी लगाने पर या रबर बैंड बांधने पर बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपके जो बाल सफेद होते जा रहे थे वो धीरे धीरे काले होते जाएंगे, आपके बालों में एकदम से अलग सा ही शाइन आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी के बारे में। जो हमारा मेथी दाना बच गया था, उस मेथी दाने को अब मैं मिक्सी में डाल दूंगी। साथ में ऐड करूंगी 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डालकर मैं इसको स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। अगर अभी भी आपको पेस्ट गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पतला पतला पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे ये पतला हो चुका है। अब इस पेस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या करता है, आपके बालों को नेचुरली नरिश करता है, आपके बालों में नई जान लेकर आता है, नई शाइन लेकर आता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे वो। आप चाहें तो इसमें दही और एग भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने पूरे स्कैल्प में और बालों की लेंथ में लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। तो आपको वॉश करने के बाद अपने बालों में खुद बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा, मुझे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पहले खुद इसको ट्राई करें और उसके बाद खुद रिजल्ट अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें। तो ऐसे ही कुछ नया और बेहतर हमेशा आपके लिए लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।